ऐसा है ना, तू अब अपने औकात में रह, समझ गई? बहन होगी उसकी, मेरी कोई बहन नहीं है तू। घूमना फिरना बंद हो जाएगा तुम्हारी आवाज लगा दिया। यार ये ड्रामा लगा रखा है यार। इतना खुश थी मैं भी, बात कर रही थी अपने बंदे से। निधि नाम है ना तुम्हारा? एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, चल मैं करती हूँ तुमसे बात। निधि नाम है ना तुम्हारा? हाय दी। हाय, जानती हो मेरे को? हाँ, आप निशा की सिस्टर हो ना? हाँ, मिली तो हो, जानती तो हो ही शायद। यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। अच्छा, फ्रेंड से बात कर रही? हाँ। घर से इतनी दूर आके यहाँ पे तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस फ्रेंड से बात कर रही थी। नॉर्मल, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं हुआ। तुम्हें प्यार से मैंने कितनी बार समझा दिया कि निशा से मत बात करो और मत मिलो निशा से, और निशा को कहीं मत लेके जाओ, तुम्हारी नहीं समझ में आ रहा है? पर क्या हो गया, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है दीदी, हम हमेशा साथ पढ़े हैं। देखो हाँ, साथ पढ़े हो वो ठीक है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड भी ना एक, अब मैं क्या ही वर्ड यूज़ करूँ, एक तमीज़ का होता है। जो इंसान बेस्ट फ्रेंड का मतलब समझती हो? समझती हो नहीं समझती हो? एक अच्छा दोस्त होता है, दोस्त वो नहीं होता जो इंसान को बिगाड़ने लग जाए। मैंने क्या बिगाड़ दिया दीदी? मैंने निशा के फोन में तुम्हारी फोटोज देखी और क्लब की फोटोज देखी है, ठीक है ना? तो तुम क्या हो गया? क्लब तो दुनिया जाती है दीदी, हम कोई अनोखा थोड़ी क्लब गए हैं, क्या हो गया फिर? मॉडर्न जमाना है। अपनी मॉडर्न, जो तुम अपनी मॉडर्नगिरी अपने पास रखो, दूसरों को मत झाड़ो, समझ में आ रही है? तुम्हें मैंने 10 बार समझा दिया और निशा को भी समझा दिया, तुम उसका साथ छोड़ोगी या नहीं छोड़ोगी? दीदी आप मुझे क्यों डांट रहे हो इस चीज को लेकर? आप निशा को बोलो ना फिर। तुम फिर निशा को बार बार क्यों फोन करती हो? क्यों तुम उसको बोलती हो कि चल मेरे साथ और मेरे को जाना है, इधर जाना उधर जाना? अपने बॉयफ्रेंड को मुझे बोलती है कि मैं बोर हो रही हूं, चलती हूं। निशा बोलती है? बोल देती है। तुम्हारा ही कॉल आता है, जब देखो तुम्हारा ही कॉल बजता रहता है सारे टाइम। निशा अपने आप से कॉल नहीं करती है तुम्हें? दीदी हमेशा ना मुझे मत उस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराओ, गलती उसकी भी उतनी है। क्या गलती है निशा की, क्या गलती है ये बताओ? अगर उसे पसंद नहीं है तो क्यों जाती है फिर मेरे साथ? तुम उसको जबरदस्ती खींचती हो, माना मैंने, अगर वो भी चाहती है, लेकिन तुम भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही हो। तुम्हें उसका पीछा छोड़ना है, ठीक है? तुम्हें जो करना है, तुम्हें क्लब जाना है, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना है, किसी के भी साथ जाना है, तुम अपने आप जाओ, तुम दूसरे को मत खींचो। आ रही है बात समझ में? आप क्या, आपको कहने का मतलब क्या? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं जो कर रही हूँ सब गलत कर रही हूँ? मैंने तुम्हें जज नहीं किया है, ठीक है, लेकिन तुम जो दूसरे को सिखा रही हो ना जो चीजें, मैं किसी को कुछ नहीं सिखा रही दीदी। अच्छा, तुम नहीं सिखा रही हो? कौन क्या सिखा रही हूँ उसको, जब आप बताओ ना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? हाँ, निशा का भी है। निशा कभी गई है उसके साथ क्लब? गई है? निशा को पता होगा मुझे। तो निशा नहीं गई है ना, और निशा ना जाना चाहती, लेकिन तुम उसे जबरदस्ती लेके जाती हो। तो क्या हो गया दीदी, क्लब चले गए तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा क्लब जाने से क्या। तुम्हारे दो, जो तुम्हारा वो जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का दोस्त था, उसने बदतमीजी की थी निशा के साथ, हाथ पकड़ा उसको, गले लगाया। लगाया नहीं लगाया? हाँ लगाया था। ये तुम्हारे लिए कॉमन होगा, हमारे लिए कॉमन नहीं है, ठीक है? तो निशा को उसको बोलना चाहिए था ना दीदी ये। निशा ने बोला था, तुमने क्या बोला? इट्स अ नॉर्मल, ये कॉमन होता है। तो क्या हो गया, नॉर्मल ही है तुम्हारे लिए? नॉर्मल है लड़की, सुनो, समझ में आ रही है तुम्हारी बात या नहीं आ रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी, अपनी बहन को समझाओ, मुझसे बोलने की जरूरत। तुम मेरी बहन का पीछा छोड़ो, वो बोल रही है कि मेरा पीछा ये नहीं छोड़ रही है, आ रही है बात समझ में? तो क्या मैं जबरदस्ती उसकी उंगली पकड़ के लेके जाती हूँ? हाँ, तुम उंगली ही पकड़ के लेके जाती हूँ, ठीक है ना? वो दोस्ती निभा रही है तुम्हारी, यहाँ साथ पड़ी हो और साथ सुनाने की कोई इतना जरूरत नहीं, मेरे को जो अच्छा लगा। तुम्हें पता है तुम कितनी अच्छी हो, वो तुम्हें हम जानते हैं बहुत अच्छे से। आप हमेशा मुझे सुनाते हो, तुम सारे टाइम मुझे रोड पे ही दिखती हो, जब भी तो देख लो। क्या हो गया, रोड पे दिखती हूँ तो क्या हो गया? अच्छा, क्या हो गया मतलब, ये तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी बात है, ठीक है ना? तुम्हारे लिए नहीं है, तुम घूम रही हो फिर रही हो, ये छोटी बात नहीं है हमारे। रोड पे भी आप भी खड़ी हो, कोई आपको भी जज कर लेगा, बल हम तो बात ही कर रहे हैं ना नॉर्मल, आप मुझे गलत समझ रहे हो। गलत हो तुम, मैं कोई गलत, गलत हो तुम, समझने की जरूरत नहीं है, अगर मैं क्लियरली बोलूं तो तुम गलत हो। गलत आप हो, गलत मैं नहीं हूं। मैं नहीं गई हूं आज तक क्लब और ना मैं किसी के साथ घूम जाने वाले कोई गलत थोड़ी होते हैं। होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होते हैं। मैं तो नहीं गई आज तक क्लब, ना मैंने अपनी बहनों को जाने दिया, तुम उसको अपने आप से ले गई। तुमने क्या बोला कि हाँ हम पार्टी में जा रहे हैं, तुम उसको झूठ बोल के लेके गई। तो क्लब में पार्टी ही होती है, क्लब में कोई पूजा नहीं होती, हमने पार्टी ही हमने होती नहीं करी है कभी क्लब में पार्टी, ठीक है ना? तुम उससे दोस्ती खत्म करो, प्यार से बता रही हूँ। मैं उससे कोई दोस्ती वोस्ती खत्म नहीं करूंगी, हमारे मैटर में बीच में बोलने की जरूरत नहीं। मेरी सिस्टर है वो, तुम ज्यादा बोल रही हो, अरे बात समझ में? मैं उसको हैंडल करूंगी, तुम हैंडल नहीं करोगी, ये हमारा आपसी मामला है। वो सिस्टर मेरी है वो, ठीक है? कल को अगर बिगड़ जाएगी ना तो तुम आके कुछ नहीं संभालोगी। नहीं छोड़ती मैं, क्या कर लोगी आप? नहीं छोड़ रही मैं उसका साथ, बताओ आप क्या करोगी? तुम थोड़ा भी सेंस नहीं है, मतलब सेंस आप में नहीं है। तुम्हारी सिस्टर नहीं है वो, सिस्टर मेरी है। सेंस आप में नहीं है, हम दोस्ती की तमीज से बात करो, ठीक है? बड़ी हूँ मैं तुमसे, तमीज से बात करो, छोटी नहीं हूँ। कुछ भी बोलने जा रहे हो, तुम्हें तमीज है बात करने की? बड़ों से बात करने की तमीज है? मतलब तुम मेरी मेरी बहुत तमीज है, मुझे तमीज मत सिखाओ। वो तो दिख रही है तुम्हारी तमीज के, तुम्हारी तुम्हें तमीज कितनी है, तुम्हें तमीज सिखाई कितनी गई है? तुम मेरी ही सिस्टर के बारे में बोल
तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और मैं मतलब मेरी सिस्टर, मेरी सिस्टर क्या लग रहा है, मेरी भी वो फ्रेंड है। फ्रेंडों को बिगाड़ा नहीं जाता है, ठीक है ना? तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे भी एक दो दोस्त है, लेकिन कभी हम उनके साथ क्लब नहीं गया ना कभी ऐसी। उसको प्यार से भी समझाया, हमने तो आते ही मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐसे कर दिया। तुमने समझाया था, नहीं समझाया था तुमने? क्या कहा दीदी, पार्टी करने गए थे, वो भी एक थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी थी। यही मुझे नहीं पता था ना, आप लोग इतने नैरो माइंडेड हो, मुझे अब पता चला ये चीज। हाँ तो बड़ी अपने आप में बनती फिरती है ऐसा वैसा। क्या क्या बनती फिरती है निशा, क्या बनती फिरती है? ए इधर देखो, तुम किस बात का इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, और कितना इतना फेस को क्यों ज्यादा तुम वो कर रही हो? बात करने की तमीज नहीं हो तो तुम्हें दिखेगा कि कितनी तमीज है तुम में। हर चीज दोबारा मेरी सिस्टर से मिल मत लेना, मैं मिलूंगी दोबारा। बदतमीज लड़की होगा बिल्कुल। हाँ क्या मतलब है बदतमीज हो? क्या खुश है क्यों यार, जाओ ना आप, क्या दिमाग खराब करके चिल्लाओ मत मेरे ऊपर, समझ में आ रही है? दिख रहा है तुम कितनी तमीज वाली हो? दोबारा मेरी सिस्टर से मिल मत ले रहा, और उस पे कॉल मत कर देना। अरे बस मैं तो मिलूंगी, क्या करोगे बताओ अब? मैं तो मिलूंगी आपके। चलो फिर तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाऊंगी मैं। ये क्या बात होती है, पेरेंट्स के पास जाऊंगी? पेरेंट्स के पास जाऊंगी, मेरे पास है तुम्हारी फोटोज, तुम्हारी जो क्लब की फोटोज है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फोटोज, मैं जाऊंगी। क्या मतलब है, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो अब? इसे ब्लैकमेल करना नहीं कहते, इसको साफ साफ तुम्हारी शिकायत है। तू अब अपने औकात में रह, समझ गई? बहन होगी उसकी, मेरी कोई बहन नहीं है तू। हाँ तो तू भी तमीज से ही रह, ठीक है ना? क्या ब्लैक तमीज से ही बात कर रही हूँ मैं भी तुझसे इतनी देर से, ठीक है? ब्लैकमेल करूंगी क्यों? डर लग गया अब पेरेंट्स के बीच में बात ही तो डर लग गई, क्योंकि ये पता है नहीं, गलत चीजें हैं, है ना? गलत चीजें, सही चीजें नहीं है ये, तो क्यों डर लगा पेरेंट्स के नाम से? तो पेरेंट्स कहाँ से बीच में आ गए? पेरेंट्स को पता है कि तुम क्लब में जाती हो? मेरे पेरेंट्स से तुम्हें उससे क्या मतलब? पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स, मैं क्लब जाती हूँ, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं पता ना? क्यों नहीं पता? जब इट्स अ नॉर्मल, इट्स अ कॉमन, तो फिर पेरेंट्स को क्यों नहीं पता? मेरी मर्जी है भाई, मैं बताऊँ या ना बताऊँ? ना क्यों ना बताओ, पेरेंट्स के बिना क्यों काम करना वो जो नहीं कर सकते हैं? क्या कर दिया मैंने ऐसा गलत काम? तो बताओ ना अपने पेरेंट्स को कि मैं जाती हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। आपको बता दूंगी, मैं आपसे पूछ के बताऊंगी। तो मेरी सिस्टर का पीछा छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ने वाली आपकी सिस्टर का पीछा। अब मतलब मैं चाटा लगा दूंगी, बता रही हूँ, तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो, मैं इतना बर्दाश्त नहीं करती हूँ, ठीक है ना? दोबारा मिल मत लेना, मैं प्यार से समझाने आई हूँ, वरना दोबारा घर पहुंच जाऊंगी तुम्हारे, ठीक है? एक तो ऐसा है ना, बार बार घर की धमकी मत दो मुझे। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं जा रही हूँ साफ साफ तुम्हारे घर पे जाके बता दूंगी। कहाँ जा रहे हो आप? मैं घर से ले जाऊंगी। पागल हो गए हो क्या दीदी, घर जाके क्या करना चाहते हो आप? तुम्हारे मेरे भी घर से निकलना बंद करवा दो। हाँ तो सही रहेगा ना? क्या सही रहेगा? सही रहेगा, तुम्हारा घूमना फिरना बंद हो जाएगा, तुम्हारी आवारा गर्दी। यार ये ड्रामा लगा रखा है यार, इतना खुश थी मैं भी बात कर रही थी अपने बंदे से। अभी तो तुम फ्रेंड से बता रही थी कि फ्रेंड से बात कर रही थी। मेरा बंदा है वो। हाँ तो बंदा तो अपने बंदे को अपने पास रखो, और अपने बंदे के साथ अकेली घूमो, दूसरों को लेके मत घूमो। आ रही बात समझ में? दोबारा मेरी बहन से मिल मत लेना, बोल दिया बस मैंने।